नमस्कार मित्रों गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने कटिकम के सातवें अंक को लेकर के उपस्थित हूं जिसमें हम लोगों ने कुछ अंश को पढ़ा है और इसके विषय में यह भी जाना है अंक केवल दृश्य आदि के माध्यम से ही नहीं बल्कि इसमें पद्यों की संख्या नौ ही है यानी कुल नौ पद्य है जबकि सामान्य अंकों में हम लोग देखते हैं कि कम से कम सोलह सत्रह अठारह ऐसे पद्य होते हैं और तब जबकि में एक प्रकरण है उसमें यह इतना छोटा अंक कहीं ना कहीं एक आश्चर्य उत्पन्न करता है लेकिन मूल विषय यह है कि इस अंक का एक नाम है जिसको लेकर के हमने व्याख्या की थी इस अंक का नाम है आर्य अब आर्य का यदि इस एक शब्द का हम अर्थ ग्रहण करें तो इसका तो सामान्य अर्थ होता है आर्यक का अपहरण लेकिन यह नाम जो है इस अंक को व्याख्यात नहीं करता इसलिए कि इसमें आर्यक का अपहरण नहीं हुआ है बल्कि आर्यक को इसमें छुटकारा मिली है आर्यक को एक तरह से जो अपहरण कर लिया गया था आर्यक का उससे इसको छुटकारा मिली है तो सोचने के लिए यह भी करता है कि क्या यह नाम अनुकूल है या नहीं है मैं व्यक्तिगत तो यही कहूंगा कि जो पूरा जो कथानक है उस पूरे कथानक से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि आर्य का अपहरणम इसके साथ नहीं जा रहा है क्योंकि अपहरण होगा किसका अपहरण होगा वसंत सेना का क्योंकि वसंत सेना जिस गाड़ी से आई है वो गाड़ी गलती से खलनायक प्रतिनायक शकार के पास पहुंच जाती है वह गाड़ी और वहां पर शकार के कैद में वसंत सेना हो जाती है कोई उनका अपना नहीं किसी कोई सहायता देने वाला नहीं कि कोई सूचना पहुंचाने वाला नहीं तो इस दृष्टि से वहां पर अपहरण होता है और अगर हम सामान्य भाषा में स्त्रीलिंग शब्द ले ले आर्य का प्लस अपहरणम अर्थात आर्य अपहरणम तो आर्यका शब्द जो है वह चला जाएगा वसंत सेना के लिए और चूंकि वसंत सेना का अपहरण हुआ है इसलिए आर्यका अपहरणम का एक अर्थ यह लिया जा सकता है कि वसंत सेना का अपहरण नामक जो यह अंक है यह आपके सामने है तब जबकि वसंत सेना इस अंक का प्रधान चरित्र नहीं है और ना ही गौण चरित्र है बल्कि नाम के माध्यम से मंच पर लिए जाने वाले जो नाम है चाहे वो चेट के माध्यम से हो चाहे वो चारुदत्त के माध्यम से हो चाहे विदूषक के माध्यम से हो तो ये नाम यहां लिए जाते हैं जहां पर हमने इस विषय को छोड़ा था वह विषय इस प्रकार था कि जो वर्धमानक चेट है उस चेट को विलंब हो रहा है गाड़ी लेकर के आने में चारुदत्त अपनी प्रिया वसंत सेना की प्रतीक्षा में वहां पर है और स्वाभाविक है जब किसी की प्रतीक्षा की जाती है तो वो प्रतीक्षा जो है वो बड़ी लंबी हो जाती है तब जब तक कि उसकी प्रिया उसके पास नहीं आ जाती है तो वही चल रही है बातें चल रही है और अचानक चेट पहुंचता है और चेट कहता है आकर के विदूषक से कि आर्य मन विदूषक भी गुस्सा हो रहा है जैसे गाड़ी लेकर के पहुंचा है तो विदूषक जो है वो चेट यानी वर्धमानक चेट के ऊपर में गुस्सा करता है कि भाई इतना विलंब कहा तुमने कर लिया था तो चेट उससे प्रार्थना करते हुए कहता है कि आर्य मैत्रेय आप क्रोध मत करो क्यों क्रोध मत करो क्योंकि यानास्तरणम गतागति चिराय उसमें कि जब मैं गाड़ी लेकर के आ रहा था तो अचानक मैं भूल गया कि गाड़ी में जो है वो बिछाने के लिए जो आस्तरण होता है जो बेड है जो गद्दा है या जो कोई अनुकूल आस्तरण है वो मैं भूल गया था और उसी को लाने आने में जो मुझे परेशानी हुई जो समय हुआ उसके कारण क्या है कि गाड़ी लाने में विलंब हुआ तो गता गतिम, यानी जाना जाना आना, आना जाना, ऐसा करने में मुझे समय लगा तो प्लीज आप मेरे ऊपर में क्रोध ना करें चारुदत्त वर्धमानक को एड्रेस करते हुए कहता है कि वर्धमानक परिवर्तन या प्रवनम ठीक है अच्छा कोई बात नहीं अब ऐसा करो ये जो गाड़ी है इस गाड़ी को परिवर्तन प्रवाहनम वैसे तो गाड़ी का परिवर्तन करने का, का मतलब नहीं सामान्य रूप से जब बैलगाड़ी आदि में ब्लॉक कार्ट आदि में लोग यात्रा करते हैं तो उसमें से उतरने के लिए एक समस्या होती है तो ऐसे उतरने के लिए या तो गाड़ी को ऊपर गाड़ी का जो सामने का जुआ होता है उसे ऊपर किया जाता है और नीचे से जो गाड़ी जब झुक जाती है तो उसके माध्यम से लोग निकलते हैं उतरते हैं गाड़ी से या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि गाड़ी के पैरेलल कोई एक ऊंची जगह होगी जिस जगह के साथ गाड़ी को खड़ी करके फिर उस पर के जो यात्री हैं वो वहां से उतरते हैं तो परिवर्तय प्रवहनम का अर्थ यहां पर उसी प्रकार का लिया जाएगा हम अनुवाद नहीं करेंगे कि गाड़ी बदलो नहीं हमें उस भाव को समझना पड़ेगा क्यों क्योंकि उनमें जो बैठी हुई तथा कथित तो वसंत सेना है उस वसंत सेना को उतारने की यहां पर जो है वह अभिलाषा है चारुदत्त के मन में तो कहता है सखे मैत्रेय यानी एक और तो वर्धमानक को उन्होंने आदेश दिया कि गाड़ी को मोड़ लो और दूसरी ओर कहते हैं कि विदूषक से रिक्वेस्ट करता है कि सखे मैत्रेय अवतारय वसंत सेना आप जाए और गाड़ी से वसंत सेना को उतारे और वसंत सेना को उतार करके यहां पर ले आए विदूषक कहता है कि न अस्याह पादो ये न स्वयं अब देखिए ये जो डायलॉग है है बिना देखे हुए विदूषक कहता है कि भाई इसमें मैं क्या करूं मैंने ऐसी कौन सी बात है मैं क्यों जाऊं वसंत सेना को उतारने के लिए वसंत सेना के पैर में कौन सी जंजीर पड़ी हुई है कि जिसके कारण वो अपने से नहीं उतर पाएगी अर्थात भाई वसंत सेना के पैरों में कोई जंजीरबंदी नहीं हुई है वो वसंत सेना अपने से भी उतर सकती है मैं क्यों उतारने के लिए जाऊं और आप लोग बखूबी जानते हैं पीछे की घटनाओं से कि समहा विदूषक अभी भी नहीं चाहता कि चारुदत्त और वसंत सेना का संबंध कायम हो सके अर्थात उन दोनों की मैत्री आगे बढ़े अर्थात उन दोनों में मित्रता आए तो यह वसंत सेना चारुदत्त नहीं सॉरी विदूषक नहीं चाहता है तो इस दृष्टि से जो ये बातें कही जा रही है उन्होंने झुंझलाहाट में कही कि भाई मैं क्यों जाऊं उतारने के लिए क्या उनके पैरों में जंजीर पड़ी हुई है कि मैं उनको उतारने जाऊं चलो फिर भी विदूषक तो विदूषक होता है और अपने मित्र की बातों की उपेक्षा नहीं करता उसकी अवहेलना नहीं करता तो ऐसे में विदूषक फिर जाता है वहां पर गाड़ी में प्रवेश करता है गाड़ी में प्रवेश करते हुए देखते हुए वो कहता है भो मतलब चारुदत्त की ओर वो संबोधन करते हुए कहता है है कि मित्र चारुदत्त सेना सेना अरे ये तो वसंत सेना है ही नहीं यानी गाड़ी में हम जिसे उतारने के लिए आए हैं उस गाड़ी में जो बैठी हुई जो बैठा हुआ है वो वसंत सेना नहीं है वसंत सेना खलवेश अरे ये तो वसंत सेन है वसंत सेन का अर्थ यहां पर जो गाड़ी में बैठा हुआ है उस व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है बल्कि इसको हमें इस ढंग से समझना चाहिए कि ये एक प्रकार से हास्य है और उस हास्य में व्याकरण की भूमिका है कि जिसका सामान्य अर्थ होगा कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है स्त्री वसंत सेना बना स्त्रीलिंग में शब्द आकार है तो यह वसंत सेना नहीं अर्थात यह कोई स्त्री नहीं बल्कि क्या है पुरुष है और चूंकि पुल्लिंग में सेना होता है तो इसलिए उन्होंने कहा कि वसंत सेना खलवेश तो छोटी छोटी चीजें हैं हास्य भी है और साथ ही एक सुंदर प्रयोग भी हमें प्राप्त हो जाता है चारुदत्त कहता है वयस्य अलम परिहा अरे मजाक मत करो हंसी मजाक मत करो ये अच्छा नहीं लगता ये उचित नहीं न कालम अपेक्षते स्नेह देखो ये जो स्नेह है अर्थात ये जो प्रेम है और ये प्रेम में जो एक प्रकार से जो त्वला त्वरा है जो उतावलापन होता है वो किसी भी प्रकार की समय का जो है ना समय का वो व्यवधान नहीं चाहता भाई मुझे त्वरा है मैं उतावला हुए जा रहा हूं कि मैं जल्दी से वसंत सेना से मिलूं और दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के मध्य सेकंड भी अधिक लगता है तो जो तड़प है जो पीड़ा है जो छठ हो वाला होता है तो बड़ी ही सुंदर यह पंक्ति है यह सूक्ति है कि नकालम स्नेह और इस प्रकार की जो पंक्ति है सामान्य रूप से जब हम अपने किसी भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो यह पंक्ति आपके सामने कई प्रकार से इसको वैकल्पिक रूप में बना करके प्रस्तुत किया जा सकता है कि नकालेक्षते स्ने यह पंक्ति कहां से ली गई चार च्वाइस दे देंगे अभिज्ञान शाकुंतलम मुद्रा राक्षसम और आ, उत्तर रामचरितम तो आपको उसमें वहां पर मृक्षकटिकम में ही चिन्ह लगाना चाहिए इसके साथ ही इसका यह भी प्रश्न हो सकता है यह भी ये एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि मृक्षकटिकम से उद्धृत इस पंक्ति का वक्ता कौन है वसंत सेना चारुदत्त शकार विदूषक तो हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इसका चारुदत्त है तो ये छोटे छोटे छोटी छोटी पंक्ति होती है लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी पंक्तियां होती हैं तो इसे जरूर आप स्मरण में लें इसे आप रेखांकित और चिन्हित अवश्य कर लें अथवा या यू कहें कि स्वयं अवतारयामी ठीक है वसंत सॉरी विदूषक अगर आपको ऐसा लगता है तो आप छोड़ दें मेरे मित्र विदूषक मैं स्वयं जाता हूं उनको उतारने के लिए देखिए अदरवाइज तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के मध्य में यह स्थिति होनी ही नहीं चाहिए थी कि विदूषक से निवेदन किया जाना चाहिए था कि जाके तुम उतार के लाओ यह एक विभेद उत्पन्न करता है यह एक वैमनस्य को उत्पन्न करता है क्योंकि प्रेम के जगत में स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है ऐसा नहीं है कि स्त्री का प्रेम छोटा होता है और पुरुष का प्रेम बड़ा होता है और साथ ही प्रणय में ना ही पुरुष बड़ा होता है ना ही स्त्री बड़ी होती है प्रेम ही एक ऐसा भाव है प्रेम ही एक ऐसी भावना है जिसमें हर प्रकार का जो एक बायसनेस है जो पूर्वाग्रह है वो दूर होता है दोनों समान होते हैं वहां पर दोनों की इच्छाएं दोनों की चाहत तो इसलिए अगर हमारे क्लासिकल जो हमारे जो टेक्स्ट हैं या जो प्ले है अगर हम उसमें इस प्रकार की बातों को देखते हैं कि प्रेमी या प्रेमिका स्वयं ना जाकर के अपने दूत या दूती को भेजते हैं उनके स्वागत के लिए तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक यहां पर तो जैसे ही पता चले कि प्रेमी आया हुआ है तो प्रेमिका दौड़ लगा देती हैं और जैसे ही प्रेमी को पता चलता है कि प्रेमिका आई है तो पुरुष दौड़ लगा देता है तो यह वाक्य जो है अथवा स्वयं अवतारयामी यह बहुत ही सुंदर वाक्य नहीं है हां हम एक जरूर कह सकते हैं कि विदूषक के उस झुंझलाहट के कारण चारुदत्त को इस वाक्य का प्रयोग करना पड़ा अन्यथा अथवा शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता अस्तु तो इस तरह से चारुदत्त यह वाक्य कहकर और खड़ा होता है उत्तिष्ठति और स्वयं वहां पर जाता है उस गाड़ी के पास जाता है इसी बीच क्या है उस गाड़ी के भीतर आर्यक बैठा हुआ है अब आर्यक को लगता है कि भाई ये तो गाड़ी वाला स्वयं आ रहा है मेरे पास और मेरा भेद खुल जाएगा तो बड़ा विचित्र सी ऊहापोह की स्थिति है और एक जो अपराधी होता है उस अपराधी के भय की भी अपनी एक जो है वो परंपरा होती है इससे पूर्व यह उन सुरक्षा कर्मियों से बचते बचाते हुए पहुंचा था यहां वहां पर भी उनका भय था कि क्या होगा अब मेरे हाथ में तो तलवार भी नहीं है मैं सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ हूं तो अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं हाथ से ही मल्ल युद्ध करके ही मैं इनको भीम की तरह मैं इनसे युद्ध करूंगा आदि आदि यहां पर भी एक जो बातें हैं मन में उठती है और आर्यक अपनी अभिव्यक्ति देता है कि अरे अयमेव प्रवहन स्वामी अरे ये जो हमारे पास आ रहा है आने वाला यही तो उस गाड़ी का मालिक है जिसकी गाड़ी है चारुदत्त की गाड़ी है यह तो स्वयं इस हमारे पास आ रहा है और न केवलम श्रुति रमणीय इससे पूर्व जो कन्वर्सेशन था उस कन्वर्सेशन में जो चारुदत्त की भाषा थी चारुदत्त की जो भाषा की विनम्रता थी चारुदत्त की भाषा की विनम्रता में जो अपनापन था वो किसी को भी आकर्षित करने वाला था तो इसीलिए आर्य कहता है कि न केवलम श्रुति रमणीय अर्थात इनकी जो ये जो व्यक्तित्व है यह जो चारुदत्त है अर्थात ये जो, जो गार्य का स्वामी है न केवल इनकी भाषा सुंदर है न केवल यह कानों को सुनने में अच्छा लगने वाला व्यक्तित्व है बल्कि दृष्टि रमणीयों यानी आंखों से भी देखने में सुंदर है ऐसा प्रतीत तो होता है कि जो गाड़ी पर जो वो आवरण है उस आवरण से इन्होंने चारुदत्त को देख लिया है इसीलिए इनको कहना पड़ा कि दृष्टि रमणीयोपि अर्थात ये देखने में भी सुंदर है हंत रक्षित उसमें आर्यक एक लंबी सांस लेता है चैन की सांस लेता है चलो अच्छा हुआ कि अब मैं रक्षित हूं अब मेरी रक्षा हो गई अर्थात अब अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं मैं जिस जगह पहुंचा हूं वह अनुकूल जगह है तो इसलिए हे मेरा मन हे आर्यक अब तुम डरो नहीं तुम अच्छी तरह से रक्षित तो हो चारुदत्त उस गाड़ी पर चढ़ता है और जैसे ही गाड़ी पर चढ़ता है तो सामने एक पुरुष दिखाई देता है प्रवहण मधिरुह्य दृष्टवाचा गाड़ी में चढ़ करके और देख करके अये तत्कोयम भाई ये कौन है जो गाड़ी में मैं तो वसंत सेना को देखने आया था मैं तो वसंत सेना को ढूंढने आया था मैं तो वसंत सेना को गाड़ी से उतारने के लिए आया था ये कौन है गाड़ी में एक शब्द और देखिए इसे पूर्व चारुदत्त को संबोधित करते हुए विदूषक ने कहा था कि नखलव नखलु वसंत सेना वसंत सेना यहां पर भी आप देखेंगे जो सर्वनाम प्रयोग है वो इमीडिएटली कह प्रयोग आ गया अर्थात यह अभिज्ञान हो गया कि वसंत सेना नहीं है कोई एक पुरुष है इसीलिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है कह उस कह का हम यहां पर प्रयोग प्राप्त करते हैं अब एक नई समस्या खड़ी होती है भारतीय जो नाट्य परंपरा है खास करके जो संस्कृत नाट्य परंपरा है उसमें एक विचित्र सी स्थितियां दिखाई पड़ती है और वह स्थिति इस रूप में है कि चारुदत्त उस आर्यक को देखता है और देखते ही वो कह बैठता है उसकी तारीफ करने लगता है भाई सामने बैठा वाला व्यक्ति उसके हाथों में जंजीर है उनके पैरों में जंजीर है वो एक अपराधी की तरह उस गाड़ी में बैठा हुआ है अब उनको देख करके किसी के मन में कोई वात्सल्य भाव स्नेह भाव कोई इस तरह का भाव कैसे उत्पन्न होगा जब तक कि वह उसका अपना भाई अपना स्वजन या अपना मित्र ना हो यह एक बड़ा ही दुखद पक्ष है और यदि चारु दत्त उस व्यक्ति को देख करके उसके व्यक्तित्व की सुपरलेटिव अगर तारीफ करता है प्रशंसा करता है तो वह भी उस चरित्र के ऊपर में संदेह खड़ा होता है कि यह कैसा व्यक्ति है कि अपराधी को देख करके भी उस अपराधी की प्रशंसा करता है ऐसा नहीं होता व्यावहारिक जगत में ऐसा नहीं होता चाहे कोई भी क्यों ना हो हमारे स्वजन ही क्यों ना हो और उस स्वजन को अगर आप पीछे से बिना चेहरा देखे अगर पीछे से उसको जंजीर में जकड़ा हुआ देख लेंगे तो आप कहेंगे कि कोई एक विचित्र सा नाम लेकर के देखो ये वो अपराधी जा रहा है ये अलग विषय है कि सामने से देखने पर अगर मेरा वो स्वजन होगा तो स्वजनानुरूप भाव हमारे मन से उत्पन्न होगा और कहेंगे कि देखो ये मेरा निर्दोष भाई है जिसको पकड़ लिया गया है लेकिन यहां पर चारुदत्त ने जिसे एक व्यक्ति को देखा ही नहीं है पहली बार सामने देख रहा है और उस व्यक्ति के पैरों में जंजीर है उसको देख करके ये जो तारीफ है जो प्रशंसा है यद्यपि चारुदत्त के व्यक्तित्व को महाव्यक्तित्व के रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है अन्यथा यह व्यक्ति भी उचित नहीं जो कि अपराधी की प्रशंसा करे हां द्वितीय क्षण में जब उस अपराधी को या सामने बैठे वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी और तब वो निर्णय लेकर के कहेगा कि हां यह गलत है और उसके बाद के जितने भी वाद हो संवाद हो वो सारे के सारे अगर प्रशंसा परक निकलते हैं तो जस्टिफाइड है अदरवाइज यहां पर ये यह जस्टिफाई करना मुश्किल है कि ये जो बैठा हुआ सामने वाला व्यक्ति है ये महात्मा है और वही बात हो रही है उसको देख करके चारू दत्त कहता है कि कर समु सिंह पीनो पीनो नृथुतर समासम्र लोलायताक्ष प्राप्त एवं विधो यो वह तीन में कम पद लग्नम महात्मा देखिए यह महात्मा वह मतलब महात्मा शब्द देखते ही हमने उसे महात्मा कह दिया यह सोचे बिना यह जाने बिना कि अपराधी इस अपराधी ने किसी की हत्या की है या इस यह अपराधी जो है ये किस प्रकार के अपराध के कारण इनके पैरों में जंजीर है यह जाने बिना यह तारीफ है या किसी को महात्मा कहना यह भी दुखद है और इसलिए मैं यहां पर सो कहता हूं कि यह विवेच्य है यह चिंत्य है यह समझने योग्य है कि हम इसको किस रूप में ग्रहण करें अस्तु हम इसके व्याख्या पक्ष को देखते हैं हम इसके अर्थ को देखने की कोशिश करते हैं कि करी कर समाहु सिंह करी कर। कर यानी हाथी कर यानी उनके सूर तो हाथी के सूर के समान भुजाओं वाला ठीक है अर्थात काफी अच्छी मोटा तगड़ा होगा सिंह पीनो और सिंह की तरह ऊंचा कंधा वाला जिसका कंधा सिंह की तरह एकदम ऊंचा हो सुगठित तो हो पृथुतर समवक्षा और पृथ्वी की तरह पृथ्वी के समान विशाल हृदय हो चौड़ी छाती हो ताम्र लूला लाल 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 और चंचल आंखों वाला यह बहुत बढ़िया है यहां तक हम कह सकते हैं कि भाई एक अपराधी है जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी है जिनका कंधा जो है बहुत ही ऊंचा है जो पृथ्वी के समान एक विशाल हृदय वाला है छाती वाला है लाल आंखें हैं और चंचल आंखें हैं यानी अर्थात सदैव वस्तु को एक क्षण में ही देख लेने वाला समझ लेने वाला लेकिन वो महात्मा कैसे हो सकता है और फिर चारू दत्त कहता है कि कथ मिदम प्राप्त एवं विधो यो वह में एकम पाद लग्नम महात्मा यानी पाद लग्नम एकम निगडम अर्थात पैरों में लगा हुआ जंजीर को लेकर के इस प्रकार से यह महात्मा जो है वो कैरी कर रहा है वो चल रहा है वो आगे की ओर बढ़ रहा है महात्मा के इसका सामान्य अर्थ यह निकला हुआ कि महात्मा के समान एक व्यक्ति में व्यक्ति के पैर में ये जंजीर, पड़ा हुआ है। या जंजीर जिसके पैरों में पड़ा हुआ है वह व्यक्ति जो है महात्मा है मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो कथन के माध्यम से अपराधी का महिमा मंडन उचित नहीं तब जब तक हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला बैठा जो निर्दोष है या सामने बैठा वाला जो व्यक्ति है उसके साथ अन्याय हुआ है केवल देखने मात्र से हमें नहीं कहना चाहिए यहां पर कहा जा रहा है हो सकता है चारुदत्त को अत्यंत विनम्र बताने की ये व्यवस्था हो इससे पूर्व भी वो अपने सबके साथ समान व्यवहार करता है बड़ा ही सरल हृदय है तो हो सकता है कि इसको देख करके भी उसके मन में उसी प्रकार का व्यवहार आया है तो चारुदत्त के के लिए जो स्थापित व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व की दृष्टि से चलो एक क्षण के लिए हम इसे कहते हैं कि अनुकूल पद्य है अन्यथा बार बार कहूंगा कि यह विवेचन का विषय है यह व्याख्या का विषय है चारुदत्त कहता है ततः को भवान अब आप बताएं कि आप कौन हैं। आर्यक कहता है शरणागत गोपाल प्रकृति आर्य उसमें मैं आपके शरण में आया हुआ एक गोपाल स्वभाव वाला अर्थात गो ग्वालों का कार्य करने वाला मैं आर्यक हूं अर्थात मेरा नाम आर्यक है मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं गोपाल प्रकृति यानी गोपाल स्वभाव वाला हूं चारुदत्त कहता है किम घोषादानीय पालके न बद्ध अब देखिए जो अभी मैंने इससे पूर्व पांचवें पद्य के ऊपर जो टिप्पणी की थी कि बिना जाने किसी को महात्मा नहीं कहा जाना चाहिए वो यहां पर भी स्पष्ट हो रहा है कि चारू तत्व को नहीं मालूम कि यह व्यक्ति कौन है अब उसे ज्ञात तो होता है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है वो केवल अनुमान कर रहा है कि अच्छा वो वो गोपालक वो आर्यक जिनको घोष से यानी ग्वालों के गांव से ला करके राजा पालक के द्वारा जेल में कारागार में डाल दिया गया था वो गोपालक वो आर्यक अर्थात चारुदत्त अभी भी कंफर्म कर रहा है चारुदत्त को नहीं मालूम कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और बिना जाने हमने उनके तारीफ में लंबे चौड़े पुल बांध दिए आर्यक कहता है अथ किम हां हां मैं वही आर्यक हूं जिनको कि ग्वालों के गांव से घसीट करके कारागार में डाल दिया गया था चारुदत्त कहता है विधिने वोपनीतम चक्षुर विषय अपि प्राणान हम जहियाम न तो ताम शरणागतम कहता है देखिए कि विधिना एव उपनीत तम तव यानी तुम भाग्यवश तुम यहां पर लाए गए और मेरी आंखों का तुम विषय बने अर्थात मैं तुमको देख पा रहा हूं यह सौभाग्य है कि तुम यहां आए और मेरी आंखों का तुम विषय बन पाए अपी जह्याम अहम प्राणान जह्याम न शरणागतम भले ही मैं अपना प्राण का परित्याग कर दूं लेकिन मैं आपका परित्याग नहीं होने दूंगा आपका मैं त्याग नहीं होने दूंगा अर्थात आप अब सुरक्षित हैं मेरी शरण में हैं आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है आप अभय रहे आप निर्भय रहे स्वाभाविक है कि एक जिसके मन में अभी तक जिसके मन में अभी तक इस प्रकार की बातें चल रही थी एक स्वाभाविक भाव है कि उनकी प्रसन्नता होगी ही होगी मित्रों हम अपने इस विषय की चर्चा आगे करते रहेंगे अभी तक आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद